दोस्तों लगातार हार के बाद आज इंग्लैंड को मिला इस वर्ल्ड कप में उसका दूसरा जीत। पहले इनिंग में बेन स्टोक्स और क्रिस ओक्स के शानदार पारी ने इंग्लैंड को 339 रन तक पहुंचा दिया और बेन स्टोक्स ने अपना शतक भी पूरा किया इस मैच में। और उसके बाद बारी आई इंग्लैंड की गेंदबाजी की, जहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किया और 179 पर ही नीदरलैंड्स को ऑल आउट कर दिया। लेकिन इसी बीच इस मैच में क्रिस वॉक्स के साथ एक हादसा हो गया। आपको याद होगा शायद कि पिछले मैच में एंजेलो मैथ्यूज पहले बैट्समैन बन गए जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट की वजह से आउट दे दिया गया। तो मैथ्यूज जब क्रिस पर आए तब उनके हेलमेट के साथ थोड़ा दिक्कत हो गया था और एक नया हेलमेट मंगवाना पड़ा जिसके लिए थोड़ा सा समय लग गया और आईसीसी के रूल हिसाब से उन्हें 2 मिनट के अंदर तैयार होना था, मगर वो लेट हो गए और इसीलिए उसे टाइम आउट दे दिया गया। मेरे चैनल में मैं इसको लेकर वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप आई बटन से देख सकते हैं। अब आज प्रॉब्लम यह हो गया कि जब क्रिस वॉक्स बैटिंग करने उतरे तब उनका भी हेलमेट में थोड़ा सा खराबी आ गया था। अब उन्हें याद था पिछले मैच में क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने अंपायर से परमिशन मांग लिया कि क्या वो हेलमेट को अभी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अंपायर ने उन्हें बताया कि उन्हें उसी हेलमेट के साथ पहला गेंद खेलना पड़ेगा, फिर वो उसे चेंज कर पाएंगे। कि 2 मिनट ऑलमोस्ट कवर हो चुका था और ऐसा भी हो सकता था कि वो अगर वो फिर से अपने हेलमेट चेंज करने लग जाए उसी समय तो वो भी टाइम आउट हो जाते, और उन्होंने भी वही किया और उसी हेलमेट के साथ पहला वाला गेंद खेला। हालांकि वॉक्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया, उन्हें अंपायर को भी बता दिया, उस हेलमेट के साथ पहला वाला गेंद भी खेल दिया, लेकिन अंपायर के साथ थोड़ा सा बात करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट भी हो गए। यहाँ पर अगर नीदरलैंड की टीम चाहती तो अपील कर सकती थी टाइम आउट के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये बात कमेंटेटर ने भी पॉइंट आउट किया था और यही दिखाता है कि नीदरलैंड की टीम और बांग्लादेश की टीम के बीच कितना फर्क है। और हाँ, इंग्लैंड को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस जीत के साथ साथ उनका चैंपियंस ट्रॉफी पे क्वालिफाई करने का चांस और थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इसके अगले मैच पाकिस्तान के साथ है जो उन्हें अच्छे से खेलना पड़ेगा।